कि यूटिलिटी का क्या मतलब होता है। अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो सिंपल सी एक लाइन लिखी है यूटिलिटी की डेफिनेशन में, एक सिंपल सी लाइन लिखी है, और वो क्या है कि यूटिलिटी इज वांट सैटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी, वांट सैटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी इज नोन एज यूटिलिटी। कि कमोडिटी में कुछ ऐसा पावर है, किसी भी कमोडिटी में कुछ ऐसा पावर है जो हमारी वांट को सैटिस्फाई करता है, हमारी जो इच्छाएं हैं उन्हें संतुष्टि प्रदान करता है। कौन करता है ऐसा? कोई भी कमोडिटी या फिर कोई सर्विस भी ऐसी हो सकती है। तो उसमें कोई ऐसी पावर है जो हमारी वांट को, हमारी इच्छा को संतुष्ट कर सकते हैं, सैटिस्फाई कर सकते हैं। दैट इज नोन एज यूटिलिटी। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ वी आर हंग्री, अगर हमें बहुत जोर से भूख लगी है तो हम क्या करेंगे? अगर हमें भूख लगी है तो हम क्या करेंगे? द आंसर इज वेरी सिंपल कि हमको कुछ ना कुछ खाना पड़ेगा, कुछ कंज्यूम करना पड़ेगा। तो जो भी हम खाएंगे, कि जैसे हमने कोई चपाती कंज्यूम की है, तो जैसे ही हमने चपाती खाई तो हमको क्या मिला? सैटिस्फैक्शन, कि जो हमारी डिज़ायर थी, हमारी इच्छा थी, या कह दीजिए जो हमारी वॉन्ट है, वो धीरे धीरे सैटिस्फाई होने लग जाती है। कि जैसे ही हमने वो चपाती कंज्यूम की है, या अगर मान ली राइस हमने कंज्यूम किया है, तो हमारी भूख पहले से कम हो जाती है। फिर हम क्या करेंगे कि नेक्स्ट चपाती और कंज्यूम करेंगे। तो हम जैसे जैसे उसको कंज्यूम करते जाएंगे तो हमारी भूख कम होती चली जाएगी, और एक पॉइंट ऐसा आएगा जब हम पूरी तरह से सैटिस्फाई हो जाएंगे, हमारी भूख पूरी तरह से शांत हो चुकी होगी। तो ये सब कैसे हुआ? ये सब एक पावर है। किसका पावर है? कमोडिटी का पावर है, कि उसने हमारी वांट को सैटिस्फाई कर दिया। सिमिलरली, इफ वी आर थर्स्टी, अगर हमें प्यास लगी है तो हम क्या करेंगे? अगेन द आंसर सिंपल कि हमको पानी पीना पड़ेगा। पानी पीने से क्या होगा कि पानी में वो पावर है, पानी में वो पावर है जो हमारी वांट को सैटिस्फाई करता है। सो यूटिलिटी सिंपली मीन्स द पावर। यूटिलिटी का मतलब है पावर। तो ये पावर किस में हो सकता है? किसी भी कमोडिटी में या किसी सर्विस में जो हमारी वांट को सैटिस्फाई करता है। सो फर्स्ट लाइन में आपकी यही लिखा है, यूटिलिटी इज द वांट सैटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। फिर देखें सेकेंड लाइन में क्या लिखा है, इट इज सब्जेक्टिव एंटिटी एंड वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। कि अब बात आती है यूटिलिटी की, तो क्या हर पर्सन के लिए यूटिलिटी सेम होगी या अलग अलग हो सकती है? इसका आंसर क्या होगा? सो इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। हर पर्सन के लिए यूटिलिटी डिफर कर सकती है। अब डिफर क्यों हो सकती है? बिकॉज हर पर्सन का टेस्ट अलग होता है, हर किसी की रिक्वायरमेंट अलग होती है। तो इसलिए जो उनको सैटिस्फैक्शन मिलेगा, दैट इज जो यूटिलिटी मिलेगी, वो भी अलग होगी, डिफरेंट होगी। जैसे अगर किसी को एप्पल पसंद है और उसको एक यूटिलिटी मिल जाती है, सैटिस्फैक्शन मिलता है, क्या उतना ही सैटिस्फैक्शन किसी दूसरे पर्सन को मिलेगा जिसको एप्पल बिल्कुल भी पसंद नहीं है? बिल्कुल नहीं मिलेगा। जिसको एप्पल पसंद नहीं है तो वो उसको कंज्यूम नहीं करेगा, और अगर उसने कंज्यूम कर भी लिया तो उसको इतना सैटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। ही विल नॉट रिसीव द यूटिलिटी। क्यों? क्योंकि उसको एप्पल पसंद नहीं है। सिमिलरली, उस पर्सन को मैंगो पसंद है, दैट मीन्स मैंगो से उसको यूटिलिटी मिल जाएगी बट एप्पल से नहीं मिलेगी। सो इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। हर पर्सन के लिए यूटिलिटी अलग होती है, या कह दे हो सकती है।